जॉइंट प्रॉब्लम्स ने आज विश्व की एक बड़ी आबादी को प्रभावित कर रखा है। कभी बुढ़ापे की समस्या के रूप में देखे जाने वाले जॉइंट प्रॉब्लम से आज यंग जनरेशन भी पीड़ित है, और आंकड़ों की माने तो भारत में लगभग 7 करोड़ लोग जॉइंट प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिनकी आयु 18 साल से भी कम है। आंकड़ों के मुताबिक हर 4 में से 1 व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, लूपस और फाइब्रोमायाल्जिया जैसी बीमारियों का सामना करता है। पिछले दशक से पेन किलर्स दवाओं का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जॉइंट सर्जरीज के आंकड़े भी। क्या जोड़ों की समस्या से निजात पाने का कोई इलाज है? क्या इस असहनीय दर्द से बचा जा सकता है? जॉइंट प्रॉब्लम केवल शरीर को तकलीफ नहीं देता, बल्कि इसके साथ उस व्यक्ति की रोजमर्रा की जीवन को भी प्रभावित करता है। चलने, उठने, बैठने और यहाँ तक कि सोना तक मुश्किल हो जाता है। कई बार तो ये मानसिक समस्या का भी कारण बन जाता है। तो कैसे ढूंढे इसका उचित समाधान? ये सब बताने के लिए एक बार फिर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त भारती खुमारिया, एंड वेलकम टू फॉरेस्ट गोल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन प्रेजेंट्स हेल्थ वेदा। फॉरेस्ट गोल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन प्रख्यात औषधि निर्माता लमार नेचुरल का नॉलेज पार्टनर है। लमार नेचुरल की स्थापना सन 1995 में प्रखर व्यक्तित्व स्वर्गीय श्री अमर लूला जी के अथक प्रयासों से हुई, जिसके कठिनतम क्लिनिकल अनुसंधानों द्वारा प्रमाणित उत्पाद आज भारत के साथ साथ विश्व के 40 देशों में उपयोग में लाए जा रहे हैं। लमार नेचुरल के विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों को टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करने के लिए फॉरेस्ट गोल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन की स्थापना श्रीमती सोनल लूला के कुशल नेतृत्व में हुई। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ प्रैक्टिशनर्स US से ख्याति प्राप्त फॉरेस्ट गोल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन आज भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा है। पिछले 20 सालों के सफर में हमने देखा है कि विश्व में आयुर्वेद के प्रति जिज्ञासा बढ़ रही है, लेकिन सही ज्ञान प्राप्त करने में बहुत मुश्किल है। इसी कारण एक ऐसे खुले मंच की आवश्यकता है जहाँ हर कोई आसानी से आयुर्वेद के औषधियों और सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त कर सके। व्यक्ति के जीवन और स्वास्थ्य में सार्थक बदलाव लाने के लिए समर्पित फॉरेस्ट गोल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन के इस हेल्थ वेदा टीवी शो सीरीज का मकसद है विश्व में एलोपैथी चिकित्सा के साथ अन्य चिकित्सा प्रणालियों के समक्ष आयुर्वेद चिकित्सा का चुनाव प्राथमिक बने। कल के एपिसोड में हमने जाना कि जोड़ों की समस्या को आयुर्वेद किस तरह हल करता है। फोन पर लोगों की जॉइंट प्रॉब्लम्स भी सुनी और उन्हें हमारे एक्सपर्ट ने उचित समाधान भी बताया। आज हम जानेंगे जॉइंट प्रॉब्लम को और गहराई से, इसके विभिन्न प्रकारों एवं उनके उपाय के बारे में। तो चलिए एक बार फिर स्वागत करते हैं हमारे बीच मौजूद डॉक्टर सचिन ए जाधव का। डॉक्टर सचिन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अगेन। थैंक्स। दोस्तों, आपका कोई संबंधी, परिवार का सदस्य या फिर आप खुद जोड़ों की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो हमें बेफिक्र कॉल करें। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-209-0193। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि रूमेटाइड आर्थराइटिस सिर्फ ओल्ड एज की समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज 20 लाख से भी ज़्यादा यंगस्टर्स इससे पीड़ित हैं। सो डॉक्टर, ये रूमेटाइड आर्थराइटिस एक्चुअली है क्या, कुछ बताएंगे उसके बारे में? देखिए, रूमेटाइड आर्थराइटिस आजकल बहुत कॉमनली देखा जा रहा है। रूमेटाइड आर्थराइटिस में अपनी इम्यूनिटी, अपनी प्रतिकार क्षमता जो है वो अपने शरीर के खिलाफ ही काम करने लगती है। दिस इज हाउ रूमेटाइड आर्थराइटिस एक्चुअली वर्क्स। ओके, सो इट वर्क्स अगेंस्ट, इट अटैक्स अवर ओन बॉडी, अवर ओन जॉइंट्स। राइट, राइट, ओके। तो डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में इसका क्या दृष्टिकोण है? आयुर्वेद में अगर आप देखोगे तो आमवाद जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में और आमवाद में कॉमन है। आम का मतलब क्या है, मैं 2 मिनट में आपको समझा देता हूँ। अगर हमें भूख ही नहीं लगी और हम लोग तभी खाना खा लेते हैं, तो बिना भूख के खाना जब खाया जाता है तब अपने शरीर में वो विष के समान होता है, वो अपने शरीर में आम बना देता है। आम इज अ टॉक्सिन,
ओके और जब ये विष अपने वात वृद्धि, हमने कल के एपिसोड में देखा कि वात वृद्धि के कारण क्या है, रुक्ष, लघु, शीत, ऐसे जो आहार या विहार है उनकी वजह से अपने शरीर में वात बढ़ जाता है, तो ये आम मतलब ये टॉक्सिन्स और ये वात, ये दोनों का जब सम्मिलित हो जाता है तो उसकी वजह से ये आमवात डिसीज देखा जाता है। तो डॉक्टर साहब, आयुर्वेद इसका क्या समाधान देता है? देखिए, आयुर्वेद में यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफस्टाइल, दिनचर्या, ऋतुचर्या बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के बारे में मुझे थोड़ी सी और जानकारी देनी है कि जैसे हम लोग आहार लेते हैं, किस तरह से खाना खाया जाए। हम लोग एक बार खाना खाने के लिए बैठ गए, जब तक पेट पूरी तरह से भरता नहीं हम लोग खाना खाते रहते हैं। तो आयुर्वेद में ये भी चीज बताई गई है कि थोड़ी सी भूख रहने दीजिए, ओके, वाकई में खाना खाने की जरूरत महसूस ना हो तब तक आप खाना ना खाए। विरुद्धान्न जो है, विरुद्धान्न मतलब एक साथ दो चीजें हमेशा एक साथ नहीं खानी चाहिए। ऐसी चीजों को अगर कॉम्बिनेशन में आप खाती हो तो आपको ये आमवात होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो इन चीजों को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। अरोंग विद दैट, जैसे पंचकर्म है, शोधन है, चिकित्सा है, और उसी के साथ में भूख बढ़ाने वाली या आम का शरीर से बाहर निकालने वाली या आम को कम करने वाली दवाइयाँ हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। अच्छा, हमारे पहले कॉलर हमारे साथ बने हुए हैं। जी हेलो, नमस्ते, मेरा नाम सुब्रतो है, आसाम से बोल रहा हूँ। जी सुब्रतो बोलिए। मेरे बेटे की उम्र 25 वर्ष है और उसको पीठ में लगातार दर्द बना रहता है। ये दर्द कभी बढ़ता है, कभी कम होता है, इसकी वजह से वो सो नहीं पाता है, रात में उठ जाता है। हमने एक्सरे भी करवाए पर कुछ पता नहीं चल रहा, क्या आयुर्वेद में इसका डायग्नोसिस हो सकता है? जी सुब्रतो जी, जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपके बच्चे की उम्र काफ़ी कम है और इस उम्र में पीठ का दर्द होना ये एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है और बहुत बार हम लोग देखते हैं कि एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलिसिस में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। आई डोंट से दिस इज एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलिसिस, बट अगर एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलिसिस मतलब जो दो रीढ़ की हड्डियाँ हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाती है तो उसमें जो लचीलापन है वो लचीलापन उसमें आ नहीं पाता है, तो आगे झुकना, करवट बदलना, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। अगेन, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलिसिस इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक मतलब अपने शरीर में जो चयापचय प्रक्रिया होती है उसमें कहीं ना कहीं बिगाड़ हो जाता है और उसमें टॉक्सिन्स जो है वो अपने शरीर में जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये होगा कि उसके शरीर में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। बाद में अमरकंद है, बादाम पाक है, रासनादि कषाय है, दशमूलक क्वाथ है, ऐसे बहुत सारी मेडिसिन आयुर्वेद बताई गई है जो आप अगर प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद में उसको अगर देते हो तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपके बच्चे को मिल सकता है। थैंक यू सुब्रतो हमारे साथ बने रहने के लिए। डॉक्टर साहब जी, मूविंग ऑन, हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड ये एसिडिटी की प्रॉब्लम्स आपने काफ़ी बार बताया है जी, तो ऑब्वियसली इट इज़ रिलेटेड टू द नॉट सो गुड डाइट या जो भी हम खाते हैं जी। तो कितना इफेक्ट पड़ता है डाइट का ऑन अ लाइफस्टाइल एंड व्हाट काइंड ऑफ डाइट शुड बी? या डेफिनेटली सी, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये तीन त्रिदंड कहे गए हैं। जैसे हम लोग तिपाही रहती है, जब तक हम लोग को तीन पौवे उसके पांव उसके जमीन पर टिकते नहीं है तब तक वो प्रॉपरली बैलेंस नहीं कर पाती है। वैसे ही अपना ये जो शरीर है ये तीन बैलेंसेस के ऊपर खड़ा रहता है। एक तो है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इज नॉट ओनली रिलेटेड टू सेक्सुअलिटी, इट कैन वी कैन रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल आल्सो। तो आहार सबसे पहले बताया गया है। आहार में वात को ना बढ़े इस तरीके से हम लोग कुछ खाना खा सकते हैं। जैसे हमारे खाने में देखिए कि जैसे घी है, एक दो चम्मच घी खाना खाने के साथ में खाने की हमारी प्रचलन है। हम लोग ये चीजें भूलते आ रहे हैं। हम लोग लो कोलेस्ट्रॉल डाइट एंड हम लोग फिगर मेंटेन करना एंड ऑल, उन सब चीजों की वजह से हम लोग थोड़ा आयुर्वेद से या अपने लाइफस्टाइल से दूर होते जा रहे हैं, प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। तो इनकी वजह से शरीर में वात वृद्धि होती है। जैसे हरभरा, चना, ऐसे जो आइटम्स है जो वात को बढ़ाने वाले है, राजमा वगैरह है, या आजकल स्प्राउटेड आइटम्स, सब डॉक्टर्स बताते हैं कि स्प्राउटेड आइटम्स खाओ, लेकिन क्या वो सच्ची में हजम होते हैं? क्या वो आपके शरीर में सच में आपको प्रोटीन्स की उतनी मात्रा दिला सकते हैं? ये सब बड़े क्वेश्चंस हैं, वी हैव टू थिंक ऑन इट। तो डॉक्टर साहब, जो नेक्स्ट जनरेशन है वो घर में खाना नहीं बना सकती, बिजी चलते हैं लोग मोस्टली, तो दे यूजुअली रिलाई ऑन प्रोसेस्ड फूड। मैं भी उन्हीं में से हूँ,
नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसे आपने भारती जी नहीं करना चाहिए. सी बेसिकली आयुर्वेद में पर्युषित भोजन नहीं लेना चाहिए. पर्युषित का मतलब है जो रात भर रखा हुआ है या जो पुराना जो फूड है वो हम लोग ने नहीं खाना चाहिए. वो आपके शरीर में आमता मतलब टॉक्सिन्स बढ़ाने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है. इसलिए आज इसका प्रिवेलेंस जो है आमवाद का या रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे डिसीजेस का बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. तो आपने जैसे बोला प्रोसेस फूड इज वेरी डेंजरस, तो आयुर्वेद में ऐसा कुछ है स्पेसिफाइड जो हम यूज कर सकते हैं हमारी डेली लाइफस्टाइल में टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस? सी बेसिकली हम लोग जो आज की लाइफस्टाइल ऐसे है कि हम लोग 100% इस चीज़ को नहीं अवॉइड कर सकते, पर्युषित भोजन या तो प्रोसेस्ड फूड को खाना. लेकिन हम लोग कम से कम इतना कर सकते कि जो प्रोसेस फूड की वजह से तैयार हो रहे जो टॉक्सिन्स अपने शरीर में जमा हो जाते हैं या संचित हो जाते हैं उनको हम लोग रेगुलर बेसिस पे अगर हम लोग शरीर से बाहर निकालते हैं. इसीलिए आयुर्वेद में रसायन कर्म कहा गया है. रसायन इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा, वन ऑफ द 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा, जिसमें हम लोग डे टू डे प्रैक्टिस में ये जो टॉक्सिन्स है शरीर से बाहर निकालने के लिए हम लोग कोशिश कर सकते हैं. जैसे त्रिफला चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण आप कम मात्रा में उसको शहद के साथ में अगर रात को सोते समय आप डेली आप अगर लेती हो तो आपके शरीर से टॉक्सिन्स निकलने में बहुत आसानी होगी. तो आपके हिसाब से खाने के बाद खाने के बाद में हम लोग शहद के साथ में या गर्म पानी के साथ में गुनगुने पानी के साथ में इसको ले सकते हैं. अगला क्वेश्चन लेने से पहले हम एक अगले कॉलर के पास चलते हैं. जी हाँ, हेलो. हेलो, हाँ जी, मेरा नाम आशीष है, मैं रतलाम से बोल रहा हूँ. एक्चुअली मेरे गर्दन में काफी दर्द रहती है तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था मैडम. तो उन डॉक्टर ने मेरे को कुछ एक्सरसाइजेस दी हैं, कुछ पेन किलर दिए हैं, लेकिन तकलीफ ये है कि तकलीफ मेरी दूर नहीं हो रही है बिल्कुल भी. तो आप मुझे प्लीज इसका कोई सॉल्यूशन बताइए. जी आशीष जी, देखिए आपने एक क्लियर का डायग्नोसिस आपका आपको भी पता है. दिस इज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस. सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में यूजुअली रेडिकुलोपैथी और माइलोपैथी. रेडिकुलोपैथी मतलब जो रीढ़ की हड्डियों के बीच में से जो नसें ट्रैवल करती है वो कहीं ना कहीं वहीं पे दब जाती है. ओके, ये एक रीजन है. और दूसरा, वो नसें दब जाने की वजह से आगे के जो मसल्स है जहाँ पे वो सप्लाई करती है वो मसल्स में आकुंचन हो जाना, उसमें स्पाज्म हो जाना. दिस इज वेरी कॉमन सिम्टम और आजकल हम लोग ये बहुत सारे पेशेंट्स में देखते हैं. कई वर्षों के मेरे प्रैक्टिस में मैंने देखा है आयुर्वेद के अनुसार भी इसको हम लोग अपने पित्त मतलब अपने एसिडिटी, अपने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और अपने लाइफस्टाइल के साथ में इसको डेफिनेटली कोरिलेट कर सकते हैं. सो पित्त का प्रभाव आपके शरीर से कम करना, योगा एक्सरसाइजेस और पोस्चुरल जो एक्सरसाइजेस होते हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट आपको सजेस्ट करेंगे उससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा. उसी के साथ में मंद्या बस्ती नामक एक चिकित्सा बताई गई है जो गर्दन के ऊपर हम लोग तेल की धारा धरते हैं या तेल वहाँ पे हम लोग भिगो के रखते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फर्क पड़ता है. और एक्सरसाइज इज द फाइनल सॉल्यूशन फॉर दैट. एक्सरसाइज इज द फाइनल सॉल्यूशन, डेफिनेटली. जी एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो ऊर्ध्व जत्रुगत मतलब अपने कॉलर बोन के ऊपर होने वाला डिसीज है. ऊर्ध्व जत्रुगत हर एक व्याधि के लिए नस्य मतलब नाक में तेल की बूंदे डालना ये एक इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट बताई गई है. जरूरी नहीं है कि किसी चिकित्सक के पास जाके आप नस्य की क्रिया करवाए. हम डे टू डे प्रैक्टिस में भी सुबह उठने के बाद नहाने के बाद दो दो बूंदे अगर आपके नाक में आकर डालते हो तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपका हम लोग बढ़ने से रोक सकते हैं. नाक में क्या तेल की बूंदे? यस, तेल जो है वो ऑर्डिनरी तेल नहीं, उसके लिए स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट्स बताई गई है और बहुत स्पेसिफिक सिद्ध तेल तैयार किए जाते हैं जो अपने फॉरेस्ट गोल्ड के प्रोडक्ट्स में भी अवेलेबल है. और यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर टू गेट दिस प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मार्केट. ओके ओके ओके, थैंक यू आशीष जी फॉर कॉलिंग अस. आई होप आपको अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया हो. इन केस आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फ्लैश हो रहे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं. हमारे पैनल ऑफ डॉक्टर्स विल बी मोर देन रेडी टू हेल्प यू विद एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन. डॉक्टर साहब जी, जाते जाते कुछ टिप्स जॉइंट पेन को हटाने के लिए? जी, जॉइंट पेन को हटाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप इज एक्सरसाइज. सबसे पहले आपको नंबर वन एक्सरसाइज, वो भी आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है. मॉडरेट एक्सरसाइज, पेट साफ होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड इंपॉर्टेंट, सुखासन. आप नीचे बैठकर आप अगर पालथी मार के बैठती हो और उसका एक्सरसाइज वो प्रॉपरली करती हो, उसकी आदत डलवा लेती हो, तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट्स. राइट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर डॉक्टर साहब. थैंक यू. दोस्तों, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ हमारे मुहिम में जुड़े. अगर आप आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं तो हमारे साथ दें. आज ही कॉल करें या रजिस्टर करें हमारी वेबसाइट www.forest.gold पर. फ्रेंड्स, देयर इज अ ग्रेट सेइंग, इट माइट टेक अ डॉक्टर टू डायग्नोज अ डिजीज बट इट टेक्स अ फ्रेंड
टू रिकॉग्नाइज समवन सफरिंग. हम वही दोस्त हैं जो आपके हर दर्द को समझते हैं और उसे दूर करने में आपकी मदद भी करते हैं. आज के लिए सिर्फ इतना ही. कल फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे. स्वस्थ रहें, खुश रहें और देखना ना भूलें. फॉरेस्ट गोल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन प्रेजेंट्स हेल्थ वेदा.